हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज रक्षित। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं करने वाला हूँ ग्लास पेंटिंग। दिस इज़ माई सेकेंड ग्लास पेंटिंग। मैंने फर्स्ट बनाई थी वो मैंने बनाई थी शिनचैन की बनाई थी। अगर आपने स्क्रीन पर अभी तक नहीं देखी है ना, तो जल्दी से जाके देखिए। बहुत अच्छी बनी थी, फर्स्ट बार था ट्राई, तो अच्छी बनी थी। तो आज हम बनाने वाले हैं गोजीटा को। तो ये ग्लास मेरे पास है, बहुत बड़ा ग्लास है। तो ये ग्लास मैं कहीं से, और ये बात बता दूँ, ये ग्लास मैं कहीं से खरीद कर लाई है। मैंने ना अपने घर से ही मिला था, मेरे को रखा पड़ा था, तो मैंने सोचा चलिए पे ड्राइंग करते हैं। और ग्लास पेंटिंग मैंने शिनचैन की बनाई थी, वो भी मैंने ना घर पे ही मिल गया था मेरे को वो ग्लास, उसी से बनाई थी। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ग्लास पेंटिंग को जीता की। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन, और स्किन को कलर को मिक्स करके यहाँ पर ये कलर आया, तो यहाँ यहाँ पर कर रहा हूँ। और आउटलाइन बना दिया मेरे को, वहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे मेरे को पूरा स्किन करना है। तो देखिए देखिए, वहाँ पे भी कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को स्किन करना है, यहाँ पे हो चुका है गाइस पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। अब हमें आप इस साइड को पूरा अच्छे से पूरा का पूरा ब्राउन कर देना है, ब्राउन शेड है जो सा उसको पूरा कर देना है, तभी तो पीछे लुक आएगा, तभी तो दिखेगा नहीं ना वो कि ना, मतलब यहाँ थोड़ा ग्लास तो नहीं दिखेगा ना, तो बस वही करना है हमें। तो वहाँ पे भी कर देते हैं। अब ये जो सा पार्ट मैंने छोड़ दिया ना, अब वहाँ पर करना है हमको स्किन कलर पूरा का पूरा स्किन कलर। ये देखिए मैं यहाँ पर स्किन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आपको स्किन कलर थोड़ा वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये स्किन कलर ही है, ये देखिए। तो गाइस, ग्लास पेंटिंग में होता क्या, ग्लास पेंटिंग में ना आपको ना इस साइड आउटलाइन बनानी होती है, उसके बाद उस पर कलर करना होता है ना, तो उस पर ना आपको क्या करना होता है ना, उसमें आपको ना इस साइड करना पड़ता है। जो फर्स्ट दिनों से आपको सामने दिखाना होता है ना, तो सबसे पहले आपको ना उसको करना चाहिए। मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, मेरे को बताने में मतलब कैसा लगता है यार, कैसे होता होगा ऐसा होता है। सो बस ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन जब आप उसको करोगे ना, तब आपको समझ आएगा ये कैसे करते हैं। जब आप उसको करोगे, फोटोग्राफ को दिखोगे कि भाई मेरे को पहला कौन से दिखाना है, तो वैसा जब आप उसको करोगे ना, तब आपको समझ आएगा। तो करके ज़रूर देखना ग्लास पेंटिंग को, और ख़रीदने की जरूरत नहीं, आपके घर पर ही होगा ये ग्लास पक्का, हर किसी के घर पर रखा होगा, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। और गाइस आप देख सकते हैं, पर्पल कलर मैंने कहीं से बनाया नहीं है, ये पर्पल कलर मैंने मतलब कि ख़रीद के लाया, मैं इसको बनाया घर पे बनाया, मैंने यूज़ करा था ब्लू, डार्क ब्लू, येलो एंड वाइट कलर को मैंने यूज़ करके बनाया। अगर आपको डार्क शेड चाहिए तो आप वाइट कलर का रहने दो यूज़, और अगर ना जहाँ पर लाइट शेड चाहिए आप वाइट कलर का यूज़ कर सकते हो, आपका पर्पल कलर बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। डार्क शेड और लाइट शेड के हिसाब से आपका कलर अच्छे से उभर के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसमें तो सा मतलब जो उसके यहाँ पे ग्रे कलर करना ऊपर, वो भी कलर मैंने ना बनाया है, मैंने खरीद के लाया कहीं से, था ही घर पे, मैंने इसको ब्लैक और वाइट को मिक्स करके बनाया है। आपको ब्लैक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है और वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा, तब आपका ग्रे कलर अच्छा लगेगा। और अगर आपको डार्क शेड चाहिए, तो आप डार्क शेड के लिए ब्लैक को इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा ही इस्तेमाल कर दो। अब देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पूरा ये डार्क शेड है, और डार्क शेड को मैंने यहाँ पे ब्लैक का यूज़ करा था ज़्यादा, तो इसलिए हमारे डार्क शेड आ चुका है। अब देख सकते हैं डार्क शेड, और अगर जहाँ आप मेरे को यहाँ पे चाहिए ग्रे चाहिए, तो ग्रे के लिए मैंने डार्क शेड मतलब ब्लैक का इतना यूज़ नहीं करा, तो इसलिए अब नीचे मैंने ना कुछ कलर्स को ना बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क येलो थोड़ा ग्रे सा टाइप होता है ना, तो मैंने उसका यूज़ करा, देखिए अभी यहाँ पे येलो यूज़ करा है, और इसके ऊपर मैंने जैसे जगह छोटी यहाँ पे मैंने ना उसमें थोड़ा ब्लैक मिलाया है येलो और ब्लैक को, तब यहाँ पे ग्रे सा कलर आ गया हमारा, ये देख सकते हैं ग्रीन टाइप कलर आ चुका है। अब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा और टचिंग सी दे देते हैं, ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा शेड कर देते हैं, थोड़ा और सा होता है गोजीटा का, भाई मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है गोजीटा में से, उसको सजा के रखूँगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, ऐसे वैसे आपको ब्लू और करना है। अभी यहाँ पे मैं अपने साइन कर देता हूँ, और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, तो देखने के लिए जल्दी से तैयार कीजिए, बहुत ज़्यादा ऑसम लगने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा मस्त लगेगी ड्राइंग, मैं भी तैयार हूँ बस। ये देखिए मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। 1 2
3। ओ भाई भाई, ओ भाई साहब कितनी अच्छी लग रही है यार। देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसको। तो भाई सजा के आप भी घर पर ऐसे बना सकते हो, कितना अच्छा लुक आएगा उसको, सजा के रखना फिर उसको इतना अच्छा लगेगा। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है गोजीटा, माई फेवरेट ड्रैगन बॉल, जो भी जी ड्रैगन बॉल जो जी कैरेक्टर्स के फैन है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा गाइज। तो बाय बाय, तो नई वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय।